अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सी टी वी बॉक्स। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी शहर मौजूद है जहां आपको हर जगह बिल्लियां ही बिल्लियां घूमती नजर आएंगी, और उस शहर को बिल्लियों का शहर भी कहा जाता है। वो शहर है इस्तांबुल, जो टर्की का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर अपनी तारीख और लज्जत भरे खानों से तो मशहूर है ही, लेकिन इस्तांबुल में बिल्लियों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक भी है जो सदियों से कायम चलता आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस शहर में इतनी सारी बिल्लियाँ कैसे मौजूद हैं। दरअसल इन बिल्लियों का अरूज सल्तनत उस्मानिया से शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ चूहों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए बिल्लियों की बहुत देखभाल की जाती थी, और ऐसे ही वहाँ बिल्लियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि आज इस्तांबुल में मौजूद है। इस शहर की सड़कों पर कई लाख बिल्लियां घूम रही हैं। वहां के लोग बिल्लियों को सराखों पर बिठा कर रखते हैं और इन बिल्लियों के बच्चों की तरह लाड उठाए जाते हैं, इंसानों की तरह ख्याल रखा जाता है। इस्तांबुल के लोगों ने सड़कों के मुख्तलिफ मकामात पर बिल्लियों के लिए छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, और उस घर में सारी सहूलियात मौजूद होती हैं, जैसे खाना, दूध, पानी और सारी जरूरियात। और अगर कोई शख्स बिल्लियों को नुकसान पहुंचाता है या उसे कैद करने की कोशिश करता है तो उसे सजा दी जाती है। बिल्लियों के साथ साथ इस्तांबुल में डॉग्स की तादाद भी काफी हद तक वहां मौजूद है, और कुछ साइंसी माहिरीन का ये दावा है कि जिस तरह से वहां बिल्लियों का ख्याल रखा जाता है, वो वक्त दूर नहीं जब इस्तांबुल के लोगों से ज्यादा वहां बिल्लियां नजर आएंगी। क्या आपने भी घर पर कोई ऐसी खूबसूरत सी कैट पाली हुई है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात होगी आपके लिए। तो नाजरीन, ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सी टी वी बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।